सबसे पहले दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी उम्मी व आलि वसल्लम तस्लीमा। तो जी, हमारी ट्रैवल डायरी दोबारा से स्टार्ट हो गई है जुलाई 2022, और इस बार जो तैयारी है वो है फंडर, गिज़र, गाकोच, यासीन वैली की तरफ और ऊपर तक शंदूर तक हम जाएंगे, और वहाँ पे नीचे एक गिलगित बल्तिस्तान की सबसे बड़ी लेक भी आती है, बाहा लेक। तो प्लान है उधर भी जाएंगे, अगर दोस्त सारे बड़ी मान गए तो कुछ अपॉर्चुनिटी गेन करेंगे और वहाँ तक जाएंगे। अभी राइट नाउ आई एम एट बाबूसर टॉप, तो मेरे पीछे आप व्यू देख सकते हैं, ये सारा गिट्टीदास का इलाका है, और वो जो आपको सामने चट्टान नज़र आ रही है मिड में बिल्कुल, इसके साथ बेस बेस की संबकसर झील है और धर्मसर झील है। इस दफ़ा हमारा प्लान है कि ये दोनों चीज़ भी करें पर वापसी पर। अभी हम लाहौर से निकले थे रात को तकरीबन कोई 8 बजे, और अभी हो गए हैं जनाब 10 बज गए, 10 बजे हम बाबूसर टॉप पे हैं, स्लोली स्लोली आए हैं, बड़े सुकून से ही आ गए। अभी हवा चल रही है तो हो सकता है थोड़ी सी आपको डिस्टर्बेंस हो आवाज़ के अंदर, क्योंकि मैं एक्शन कैम सिस्टम शूट कर रहा हूँ। रास्ते की बात करें तो रास्ता जो है नरानस तक जो है, कान से नरान और इवन के पीछे शोकरान से नरान तक काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ है, आप तकरीबन 20-30 की स्पीड तक आते हैं, लेकिन उसके आगे सारा ऑलमोस्ट अच्छा हो गया है। अब तो जैसे भी यहाँ नीचे जाएंगे तो पिछले साल तो चलास का भी रास्ता ख़राब था, आगे क्राकन बैठा था, नीचे जा रहे थे। चले आप लोग भी साथ रहें और रास्ते के व्यूज़ भी आपको दिखाते हैं, ख़ुद भी इंजॉय करते हैं। मेरे लिए भी आगे जो है वो जगह नहीं है, ये शंदूर वाली साइड में पहले नहीं गया, तो लेट्स सी। बाबू सर पे पूरी एक दुनिया माशाल्लाह से आबाद हो गई है, सुभान अल्लाह, हर किस्म की फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है, इवन नाउ यू कैन टेक रूम्स ऑन रेंट, ऊपर से कॉटेज वगैरह बने हुए हैं, बाबू सर के मशहूर पकौड़े। क्या कह रहे हैं आप? जाहिर बात है अब यहाँ ऐसे पकोड़े खाए बगैर जा तो नहीं ना सकते ना। मैं उधर नौकरी यार हूं, मैंने कहा दिया अंदर यार आप गाड़ी लॉक कर रहे हैं, अंदर हो शीशे ऊपर कर दिए। हाँ। चलो पकोड़े यहीं पे चलें फिर। हाँ, यहीं पे वही वाला गांव में एक प्लेट लेके फिर वो सबसे पुरानी दुकान है अभी गुरुमान गरम भी होगा। तुझे कैसे पता? कौन सी वो अभी गुरुमान अल मशहूर पकौड़े शॉप, उधर से हम फ्री पकौड़े खाते रहे हैं, बड़ी पुरानी बात है 5-7 साल, अब उधर ही जाएंगे। फूफी का लड़का है तेरा? चलो वहीं चलते हैं यार, आओ जी हम वहाँ पे। अब बैठ गया
नहीं नहीं है कि उन्हें 50 रुपये पार्किंग फीस लेती है, डोंट वरी, कुछ नहीं होता। नहीं सब भाई के कहने पे हम जा रहे हैं हबीबुर रहमान पकोड़ा शॉप पे वहाँ पे, तो लेट्स सी क्या सीन। अब पर्स कोई भाई नहीं लेके आया, 100 से 150 की होगी। तू बेच रहे अच्छा किलो वाला नहीं है, 150 की प्लेट वाला साहब है। हम बहुत पुराने आने वाले हैं, इनके पास इंशाल्लाह हमें ज्यादा ही देंगे। तो आप पुराने आने वाले तभी उन्होंने ये नमक पारे ये लास्ट विजिट पे तो आप 100 रुपए के पकौड़ों की प्लेट दे रहे थे, रेट बढ़ गए हैं। महंगा वापस से 700 रुपए की प्लेट। हुकूमत बदलने की वजह से? हुकूमत बदलने की वजह से नहीं, महंगाई की वजह से। अच्छा वैसे आप खुश हैं हुकूमत बदल गई? हम क्या। अच्छा भाई कितनी प्लेटें करानी है? हम कोई 2012-11 में बाइक्स के ऊपर आते थे ना जब, तब माशाल्लाह से आपसे पकौड़े खाते थे यार। एक दफा प्लेट लेते थे फिर आप, बारिश हो रही थी आप कहते थे खाई जो। तब दौर अच्छे थे, तब महंगाई कम थी, उस वक्त दौर अच्छा था ना। दौर अच्छा था, 1400 का जो आयल था अभी 5600 रुपए का। यही बात है, उस वक्त 1400 रुपए का आयल आता था। लेकिन माशाल्लाह से हम तो बड़े खुश हैं कि आप इतनी ऊंचाई पे भी हमें पकौड़े दे रहे हैं। ये आप लोगों की गाड़ी कहाँ जा रही है? मार्स पे फिलहाल दुनिया घूम रही है हमारी। अच्छा मैं बड़ी देर से परेशान होता, मैंने कहा शायद सिर्फ मेरी दुनिया ही घूम रही है, सबकी घूम रही है। अल्हम्दुलिल्लाह तुसी मेरे नाल तो नहीं ना। उठो यार मैडी भाई, बिस्मिल्लाह जेड़ा भी लेके आंदा अपने नाल ही रख लंदा। बिस्मिल्लाह यार एक ही है, ट्राई तो करें, ट्राई कर रहे हैं। पकौड़ा ट्राई करते करते जा रहा है सामान भाई, आपका फ्रेम बहुत जबरदस्त है। थैंक यू, गुड वन, वेरी वेरी लव। एक साल ही है लास्ट टाइम बताया था आपको। ऑयल में स्मेल तो नहीं है? ए मेरे नाल तो जाके हो नहीं ऑयल ऐसा होता नहीं, मैं आप ही लेते ने। तू मेरे नाल हुन गए, तन्नू पता साल लंग गए ने, हुन मैं सिर्फ दुकान ते जांदा। बहुत ज्यादा फिट है, दो चक्कर लाए सी इस फ्रेम वास्ते, दूसरा 13700 फीट किलोमीटर। तू वाकई मरीज से पूछे हैं? दाइंगा रहता नहीं साथ देते यार। 12560 किलोमीटर क्या देने हो नहीं यार? चटनी है, बस तीन ही काफी है। जो तीन बोल रहे हैं उनकी बर्बाद है। अतः पीनी है चाय? अब तूने पीनी है चाय? मेरे पैसे लादा करी है ना चाय दे भाई। खोलना उसको बता दो सही पहले। नहीं सब ने मुंह लगा लिया, ਵਹਾਈ ਦੇ ਫਿਰ ਪਕੌੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਥ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਕੌੜਾ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੱਢੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾਲ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਖਾ ਲੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਮਸਾਲਾ ਮਸੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀ ਮੈਂ ਮਸਾਲੇ ਕੀ ਵੇਸੇ ਖਾ ਰਹਾ ਹਾਂ ਮਸਾਲਾ ਹੋ ਲੈ ਲੈ ਇਸੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਖਾ ਲੈ ਚਾਹ ਕੇ ਪਕੌੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਬੈਠੇ ਨਾ ਜਾਨ ਕੇ ਆਈ ਹੈਵ
more, I long for more. So this makes me realize that this world will never satisfy my heart. No matter how much I obtain, so my dream for Jana grows day by day. And I pray to Allah to guide me all the way till I make it to His paradise. The heart of biggest friends to see you. ब्रो एक शादी में दो रॉकस्टार आ रहे, पूरा नाम क्या था उसका? एमएडी भाई पागल नहीं, जमील पागल नहीं है, मुनीर नहीं, आदि कहां गिलगिती, गिलगिती ले जी। हम गिलगित की सड़कों पे आवारा नहीं फिरते हुए एक्चुअली हम खाने की तलाश में हैं। प्लान हमने चेंज कर लिए हैं, जो हमने गिलगित स्टे करना था, ज़ाहिर अफसोस इतने हैं तो हमें गिलगित स्टे करना पड़ गया। और इस वक्त 8:30 हो गए और मार्केट्स ऑलमोस्ट बंद है, खाने पीने की जगह नज़र नहीं आ रही। अब ढूंढ रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है। सुबह हम जाएंगे इंशाल्लाह गिज़र, और अभी खाना शाना ढूंढते हैं, जो भी मिलता है वो आपके साथ ही शेयर करते हैं। और लेकिन इस टाइम सारा कुछ बंद। अच्छा वो कह रहे हैं यहाँ से आगे जाओ तो 10 मिनट पे रमज़ान होटल आएगा, 10 मिनट की वॉक पर रमज़ान होटल। यहाँ बैठ जाते हैं, नहीं तो वो कह रहा है कि आगे एक रमज़ान होटल जाएगा। ठीक है यहाँ बैठ जाते हैं यार, पास से तो हमें खाना नहीं मिला, कोई एक रमज़ान होटल का पता तो लगा। लेट्स सी, अब गाड़ियाँ हम ले आए हैं तो उस पर जाते हैं और चेक करते हैं कि कितनी की दूर है यहाँ से रमज़ान होटल। हमार सी कर ये भी कुछ बेच रहा है भाई इस तरह साथ। क्या बेच रहा है ये? यही खा लो यार, खमीर रोटियों के साथ भी खा लो। चपली कबाब, माय वोट फॉर चपली कबाब। बोर्ड नहीं है, पूछ रहे रमजान होटल है ये? रमजान होटल है। टैक्स अदा किया आप? नहीं यार। निकल गई आगे, FBR से आए हम, चेकिंग करा दे जरा। इनकम टैक्स रेट बढ़ गई है, CID। ये हमें खाना मिलेगा, हमें रमज़ान होटल मिल गया। खाना नहीं है ये, नाश्ता है ये। चुप इधर नहीं बताते, चेक करें जरा हर कस क्या किया। बस सब्जी को आप रोटियाँ सब कहाँ भी आएंगे, सब्जी को आप रोटियाँ। फाइनली मेरे दोस्तों को खाना मिलने के बाद इसको कुछ नहीं मिला अभी तक। ये प्रेसी बंदा साड़ा, ये डिसाइड कर दिया। ला यार मैं चेक कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाह। उन्हें की कहना इसको फाड़ने के लिए कोई आ रही दो आ रही रोटी ठंडे हैं।